मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं CQCM का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग। सिक्स सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको मेनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने टोटल सिलेबस ओवरव्यू देख लिया होगा, तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मॉनिटरिंग को और मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें उसका जनरल ओवरव्यू लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ओवरव्यू और मैनेजमेंट को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमें जो TQM है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो PPT बनी है यहाँ पर उसके अंदर जो इंग्लिश टर्म्स दिए, ठीक है, वो मैं फर्स्ट रिवाइज करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझ में आए इस लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूँगा यहाँ पे हिंदी में। सो जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एसेंशियल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी, अ फिलोसॉफी, मेथड एंड एक्शन दैट आर डिजाइन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स कंप्लीटली थ्रू देयर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हाउएवर, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज मोर देन दिस। It is a way of life, a way of working life, and because of increasing competition in the most, if not at all, commercial sectors, attention to quality in order to satisfy the requirement of consumers' want and needs signifies a major change in the way organizations are managed. So, यहाँ पे इन लोगों ने जो total quality management की आवश्यकता क्या है उसके बारे में हमें समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एक्चुअली डेवलपमेंट जो है आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, मेथड्स, एक्शन वगैरह की, और उसको ध्यान में रख के जो कस्टमर्स होंगे, ठीक है, या फिर जो टास्क होगी उसको कंप्लीशन करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन करने के लिए ये सब अनिवार्य रहेगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर। जबकि दूसरे पैराग्राफ में उनका कहना ये है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक है, ये रोजिंदा जीवन के अंदर भी हम अगर जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे तो जो हमारा वे ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है यहाँ पर। जबकि कॉमर्शियल सेक्टर की बात करें, जो मैंने थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया था यहाँ पर, तो जो कॉमर्शियल सेक्टर्स है वो लोग क्वालिटी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी कंपनी है उसको कोई भी चीज़ सोल्ड करनी, आज वहाँ पे आपको पता है मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट इलास्टिसिटी ये टर्म्स आती है, ठीक है। तो दो कंपनियाँ हैं जो सोल्ड कर रही है एक सेम प्रोडक्ट, तो एक दूसरे को कंपटीशन कैसे देगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे अपनी प्रोडक्ट की, ठीक, प्राइस सेम रखते क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है जो कस्टमर्स की नीड्स होती है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। जो भी प्रोडक्ट सेम प्राइस वाली है, दोनों कंपनी में से जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट देने वाली है वो ज़्यादा मार्केट में चलेगी, राइट। इससे क्या होता है कि जो टोटल क्वालिटी मॉनिटरिंग है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक सिस्टम डेवलप कर रही है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो सके यहाँ, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आ सके, मोर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये थी आपकी एक जनरल टर्म। सेम चीज़ की बात करूँ तो आप लोग आज मार्केट में देखते होंगे कि बहुत सारी बाइक्स और कार सोल्ड होती है, ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने सेम सेगमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि 5 से 8 लाख का या फिर जो 1 से 4 लाख का जो भी सेगमेंट है उसके अंदर वो लोग बहुत सारी हर एक कंपनी की अलग अलग कार होती है, और पर्टिकुलर जो भी कस्टमर्स होते हैं वो लोग कहाँ पे खिंचाव रहता है उनका कि उनकी जो नीड्स है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, समझ रहे हो। वो लोग क्वालिटी देखेंगे, अपनी नीड्स देखेंगे, उस हिसाब से वहाँ पे जाके परचेस करेंगे। तो ये सिस्टम कहाँ से डेवलप हो रही है, ये सिस्टम है आपकी टोटल क्वालिटी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट से, राइट। तो ये जो मैनेजमेंट टर्म आ रही है वो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट क्या कहते हैं एक्चुअल में। सो द एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट टू इंश्योर द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स आर प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल एंड स्टाफ इलेक्टिवली, और द अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स थ्रू फैसिलिटेटिंग एंड इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग।
और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिवेटेड कम्प्लीटली एफिशिएंटली विद एंड थ्रू अदर पीपल। मतलब कि मैनेजमेंट आप लोगों को पता होगा कि क्या है, आगे कोई सब्जेक्ट आया होगा आपको मैनेजमेंट रिगार्डिंग, तो उसके अंदर आपको पता है कि मेन चीज़ क्या होती है कि वो इंश्योर करता है, मेजर ऑफ इंश्योर जो फाइनेंशियल ह्यूमन फिजिकल जो भी रिसोर्सेज है उसको वेल प्लान ऑर्गेनाइज कंट्रोल करता है, ठीक है। साथ साथ में जो भी गोल्स है हमारे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले इफेक्टिव प्रोसेस करने के लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, तो ये जो पांच हमारे जो फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रख के हम लोग एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जो क्या करेगा कि जो हमारा सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उसको वेल ऑर्गेनाइज कर पाएंगे लोग और इफेक्टिवली उसको हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे ये सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है कि जो हर एक सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी और उसकी आवश्यकता रहती ही है, ठीक है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी टर्म्स हो, इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल्स या फिर कंपनी, इंडस्ट्रीज, जॉब, एवरीथिंग, जहाँ पे मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ उसमें ये कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे हम लोग हम या फिर दूसरों से कोई भी टास्क या फिर चीज़ हमें करवानी है तो वो हम एफिशिएंटली उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं खुद पे भी ले सकता हूँ या फिर आप लोगों पे भी हो सकती है। अगर मैनेजमेंट परफेक्ट होगा हमारा तो काम मैं भी परफेक्टली कर पाऊँगा और आप लोग भी उसको इजीली और परफेक्ट मैनर में कर पाओगे। एफिशिएंसी इनसोर्ट इम्प्रूव कर देता है। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो ये एक बेसिक टर्म है, अगर हम मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट कोई भी ले लोगे तो आपको पता होगा कि जो मैनेजमेंट वो तीन लेवल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है आपका टॉप लेवल का टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट आता है और लास्ट में आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पे लिखा है उन्होंने क्रिएट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। इन मिडल लेवल मैनेजमेंट इट विल बी डायरेक्ट अदर मैनेजर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज सुपरवाइजिंग स्टाफ्स। मतलब ये एक हायरार्की हो गई यहाँ पे। इस हायरार्की को समझना है तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की बात कर दूँ मैं, तो उसके अंदर हम लोग क्रिएटिव, आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, मैं शॉर्ट टर्म में मैं समझाऊँ तो एक आइडिया होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। मतलब मेन कोई भी, मैं आपकी एजुकेशन सिस्टम की बात कर लूँ, कोई भी कॉलेज को ध्यान में ले लूँ, आप हमारी SSP में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक आइडिया यहाँ पे आया हुआ, ठीक, वो आइडिया को क्रिएट करके उन्होंने एक संस्था को स्थापित किया, वो हो गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इस संस्था को चलाने के लिए डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वैसे हायर अथॉरिटीज की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही पार्ट हो गए, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सर्स वगैरह। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, ये जो मिडल लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि आपकी कोई भी डिपार्टमेंटल HODs होंगे, ठीक है, वो HODs आपको मिडल लेवल मैनेजमेंट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आइडियाज़ वगैरह थे वो डायरेक्ट हमारे जो डायरेक्टर सर या फिर प्रिंसिपल सर होते हैं वो डिलीवर करते हैं एक कैबिन मीटिंग के अंदर HODs को बुला के। अब उनको वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि भाई हम मेरे को ये वर्क चाहिए, ऐसे ऐसे काम करवाना है और इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स HODs होंगे वो सब ये गेन कर लेंगे, जो भी आइडियोलॉजी है उसको प्लान करेंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आता है लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अब वो जो भी आइडिया था टीचिंग या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड, वो अब HOD डिपार्टमेंटल जितने भी स्टाफ्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, उन लोगों तक डिलीवर कर देंगे। वो लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, वो वर्क करने वाले हैं जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है और वो लोग ध्यान रखेंगे कि ये ठीक से हो पाए। तो वो होगा आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड। ये एक सिंपल हायरार्की है जो हर एक जगह पे लागू पड़ती है, आप इंडस्ट्रीज ले लो या फिर एजुकेशन ले लो, कहीं पे भी, ठीक है। 3 लेवल्स आपको याद रखने हैं और उसके अंदर आपको डिवाइड करना रहता है कि आप किसको डिवाइड कर सकते हो, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। नाउ हम बात करेंगे थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, द क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। तो जो एजम्पशंस है, पीपल आर रेशनल
यहाँ पे सबसे पहली चीज़ उन लोगों ने ये उसके अंदर निर्धारित कर दी है, ठीक है, जो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर। तो ये जो चार उन्होंने पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, तो एजम्पशंस पीपल आर रैशनल, देन दूसरी चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट वो लोग निर्धारित करते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, एंड थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन चीज़ को ध्यान में रख के हमें क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बिहेवियरल अप्रोच मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब बिहेवियरल अप्रोच मैनेजमेंट है वो जो नीचे के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर निर्धारित रहता है। सबसे पहले तो है एजम्पशंस, उसका जो एजम्पशंस है वो है पीपल आर सोशल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें मैनेजमेंट करना है उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, लोगों के जो सोशल नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग जो है, ठीक है, खुद को ध्यान में रखते हैं जो चीज़ करते हैं वो लोग, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर। हम बायस नहीं हो सकते किसी एक सोशलाइजेशन के ऊपर, हम बायस नहीं हो सकते। हमें ध्यान में रखना है कि जो पीपल है वो भी एक सोशल नीड्स होती है उनकी, उस हिसाब से हमें वो प्लानिंग करना रहता है। दूसरी है जो हाउथॉर्न स्टडीज़ एंड अल्ट्रॉन मायो, जो दूसरी हमारी टर्म्स है, इसका हमें स्टडी करना पड़ता है। देन थियोरी एक्स, थियोरी वाई, डुगलास मैकग्रेगर, उसके बाद होता है जो थियोरी ऑफ ह्यूमन नीड्स, अब्राहम मैस्लो का जो लो है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, एंड देन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस एगरलिस। ये जी भी टर्म्स है मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नोटिफाई कर रहा हूँ, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैनेजमेंट हमने जो आगे पढ़ा है उसके अंदर ये सब चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। फ्यूचर में अगर आप बी कर रहे हो तो बी के अंदर जो फर्स्ट सेम है उसके अंदर ही आपको एक मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक आने वाला है, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम के अंदर, राइट। तो ये सब जो लॉ है वो वहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली स्टडी करने के लिए अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है। दूसरी चीज़ है द ह्यूमन रिलेशंस थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो थियोरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके साथ ह्यूमंस का रिलेशंस कैसा रहेगा। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सोशल डायमेंशन हैज़ टू बी एडेड टू द मैनेजर्स एंड वर्कर्स रिपोर्टर ऑफ स्किल अलॉन्ग विथ टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल, दस द प्रॉम्प्ट इज फॉर मैनेजर्स टू बिकम मोर वर्कर ओरिएंटेड। कोई भी टर्म हम लोग सोशलाइज कर मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक सोशल फैक्टर जो मैंने आगे समझाया वो ध्यान में रख के करना पड़ता है, ठीक है, उसको हमें ऐड करना पड़ता है, जो हमारी टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल जो हमारा बायस नेचर है उसके साथ साथ हमें एक सोशल टर्म्स भी ऐड करनी पड़ती है डायरेक्ट मैनेजर लेवल के ऊपर, ठीक है, वर्कर ओरिएंटेड। तो ये क्या करती है कि जो मैनेजर्स होते हैं उसको मोर वर्कर ओरिएंटेड बना देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, वर्कर ओरिएंटेड, क्योंकि काम एक्चुअल में वर्कर्स करने वाले हैं। अगर मैं हूँ, मेरे को कोई आइडिया है, ठीक है, जैसे कि एक आर्किटेक्ट हम सिविल के अंदर है, ठीक है, तो एक आर्किटेक्ट हमें प्लान देता है और दूसरा होता है कि जो हमारा टास्क, जो लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और जो भी जियोटेक्निकल इंजीनियर्स जो भी बिल्डिंग रिलेटेड प्लानिंग वगैरह करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है, बिल्डर्स वगैरह है, उनकी और आर्किटेक्ट दोनों की जॉब अलग है। आर्किटेक्ट एक ओवरव्यू प्रेजेंट कर देता है कि भाई इस हिसाब से मुझे ड्राइंग करवाना है, ठीक है, एक्चुअल में हमें जो काम करने वाले वो लोग अलग है, ये लोग डिज़ाइन परस्पेक्टिव से हमें देते, दूसरे जो काम करने वाले बिल्डर वगैरह उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर कॉन्ट्राफ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और हमें झुकाव कहाँ पर रखना चाहिए जो एक्चुअल में काम करने वाले। मैं आपको कोई भी डिज़ाइन दे दूंगा, ठीक है, उल्टे सूज जैसा घर दे दूंगा, वो बनाने के अंदर डिफ़िकल्टीज बहुत आ सकती है, हमें जोनिंग वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं कि किस हिसाब से हमें उसको बनाना है। तो फिर एक्चुअल जो सूज, मैंने सूज उल्टा कर दिया और उसकी डिज़ाइन मैंने दे दी घर के अंदर, तो ऐसी की वैसी हम एक्चुअल में नहीं बना सकते, ठीक है, अगर बनाएंगे तो उसके बनाने कैसे एरिया में हम बना सकते हैं वो भी हमें साथ में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट ध्यान में रखते हैं कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कैसा है, एरिया कैसा है, ठीक है, लोकेशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, ये सब फैक्टर ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जो हमें वर्कर्स वगैरह को ध्यान में रखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर मटेरियल, वो सबको ध्यान में रख के हम लोग डिज़ाइन देंगे, क्लियर। ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने समझाई है ह्यूमन का रिलेशन जो थियरी मैनेजमेंट है वो। नाउ द क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट, द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव अप्रोच इज बेस्ड इन द सेट अजम्पशंस दैट मैथमेटिकली टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू हेल्प सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स।
मतलब कि जो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट का फाउंडेशन है वो एक अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने भी हमारे मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। वो मैथमेटिकल टेक्निक के ऊपर ही जो पूरा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है वो रेस्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, जो भी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है उसके टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एजम्पशंस की बातें करते रहे, भाई ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं, देर मस्ट बी अ टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द मैनेजमेंटल प्रॉब्लम। ये है हमारा क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल वे में बात करें तो। नाउ द कंटीजेंसी थियरी ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हाट इज कंटीजेंसी थियरी? इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स। इट इज अ हाइब्रिड मैनेजमेंट सिस्टम स्टाइल डीम्ड टू फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द सिचुएशनल डिमांड्स। मतलब कि जो कंटीजेंसी थियरी है वो टोटली फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रहती है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। डिमांड किस टाइप की डिमांड है, किस टाइप की नीड्स है, ये हाइब्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है वन टाइप ऑफ, ठीक है। उसका झुकाव पूरी तरह से जो सिचुएशन की डिमांड है, ठीक है, सिचुएशन डिमांड है उसके ऊपर निर्धारित रहता है। उस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन की बात कर दूँ मैं, अब लाइफ में आपको एक आर्किटेक्ट और बिल्डर वगैरह स्ट्रक्चर इंजीनियर वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ये जो कंटीजेंसी थियरी है मैनेजमेंट की, उसमें क्या होता है कि मैंने प्लानिंग तैयार कर दिया है, ठीक है, एक हायरार्की क्रिएट कर दी। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार उस हायरार्की में ही काम हो पाए, ठीक है। उसको थोड़ा तो फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, मतलब कि जब हम कोई टास्क कर रहे हैं उस टाइम कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो वो उस चेंजेस के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैं तुरंत ही उसके अंदर चेंजेस ला सकूँ, ऐसा कुछ करना है। जैसे कि मैंने आज फॉर्म वर्क वगैरह क्रिएट करने का सोच लिया है, अब अचानक से मेरे पास फॉर्म वर्क की कमी रह गई, ठीक है, जो मटेरियल है फॉर्म वर्क के अंदर उसकी कमी रह रही है। वो पूरा दिन तो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, दूसरी टास्क, ठीक है, स्लैब कास्ट करना हो या फिर कोई भी मटेरियल नीचे छोटा मोटा जो पैच वर्क करना हो वो सबको भी मैं क्रिएट क्या कहूँ कंप्लीट कर सकूँ, वैसा मुझे एक मैनेजमेंट भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स तो होना ही चाहिए डिमांड के हिसाब से। या फिर आज मेरा फॉर्म वर्क का काम है और सामने से कोई आता है और बोल देता है कि भाई मुझे ये काम करके दो, तुरंत अचानक से हमें मतलब वाटर टेबल राइज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के दरमियान, तो फाउंडेशन के अंदर वाटर टेबल राइज हो रहा है, तो उस टाइम मुझे डायफ्राम बोल या फिर जो भी जियो टेक्सटाइल वगैरह अंदर अप्लाई करना पड़े फाउंडेशन के अंदर, तो उस टाइम मुझे करना पड़ेगा। तो उतना फ्लेक्सिबल हमें रहना चाहिए। तो दैट इज़ अ कंटीजेंसी थियरी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा एक मैं सिंपल एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि आप कोई भी दर्जी के पास जाते हो तो कपड़े या उसे सिलता रहता है, ठीक है। आप अपना छोटा सा पैच वर्क करवाने के लिए वहाँ पे जाओगे तो उसका दिमाग में है प्लानिंग कि भाई मेरे को 4 दिन में इतना काम करना है, तो आपको मुंह पे मना कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंटीजेंसी थियरी है उसके हिसाब से क्या है कि वो आपको जो काम कर रहा है उसको थोड़ी देर साइड में रख देगा, और आप जो पैच वर्क लेने के लिए उसके अंदर 5 से 10 मिनट उसको लगने वाली है, ठीक है, वो पैच वर्क भी वो आपको कंप्लीट करके दे देगा और साथ उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्लियर। ये है आपका एग्जांपल कंटीजेंसी थियरी का, होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ थियरी, जो हमारा मेन सब्जेक्टिव हम आ रहे पॉइंट के ऊपर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थियरी क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। बस आज के लिए हमने जो पूरा मैनेजमेंट और ओवरव्यू है किस हिसाब से वर्क करता है उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। हर एक टॉपिक एक बार आप फिर से रिवाइज कर देना, कौन सी थियरीज हमें ध्यान में रखनी है वो सब हमने एक बार देख लिया है। ये डिटेल में आपको समझाने का रीज़न यही है कि आप लोग जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझने वाले उसके अंदर आपको एक माइंड में ओवरव्यू रहेगा कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक, मैनेजमेंट करते कैसे, और एक हायरार्की जो मैंने आपको कब का डिटेल में बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये सब एक्चुअल में क्या है, वर्क कैसे करता है, क्लियर। ये एक कॉन्सेप्ट था मेरा आपको समझाने का मैनेजमेंट, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं उसके अंदर गया नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर उसको उसका ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। रोल है हमारे जो टॉपिक जो हमें सिलेबस के अंदर दिए है वो
वो समझाने के लिए मैंने आपको मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको मेन जो हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो थियरीज है वो हम लोग कवर अप कर देंगे। होप आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।